दोस्तों ये है KTM एडवेंचर 390, अब नए कलर और नए ग्राफिक्स के साथ। अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए एक बाइक देख रहे हैं तो क्या एडवेंचर 390 लें या फिर हिमालयन लें, दोनों ही बाइकों में कीमत में भी बहुत अंतर है, फीचर्स में भी अंतर मिल जाता है। बाकी इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, माइलेज और टॉप स्पीड कितनी मिल जाती है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, सारी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइक के फ्रंट लुक से। तो इसमें आपको मिलते हैं नकल गार्ड, जो कि आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग में इसको शामिल किया गया है, जो हाथों की काफ़ी सुरक्षा करते हैं हर मौसम में। बाकी इसमें आपको LED वाले टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। ऊपर में आपको ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड का ग्लास मिल जाता है, जो कि एडजस्टेबल है। बाकी साइड में आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग का वाइजर मिलता है। बाकी हेडलाइट यहाँ पर आपको स्प्लिट में देखने को मिलती है, बीच में यहाँ पर आपको एक पत्ती मिलती है और स्प्लिट LED हेडलाइट का भी सेटअप मिल जाता है। तो स्प्लिट होने की वजह से अगर आप इसको नाइट में, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अंधेरे में चलाते हैं, तो थोड़ी सी रोशनी की यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। हिमालयन बाइक में आपको मिलते हैं 41mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन, जबकि इस KTM एडवेंचर 390 में आपको मिलते हैं WPFX 43mm के अपसाइड डाउन फ्रंट फॉर्क सस्पेंशन का सेटअप। यहाँ पर आपको आगे वाला मडगार्ड जो है वो प्लास्टिक बॉडी का मिलता है, जो कि काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी का है। ड्यूअल टोन कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। 190/19 का आपको मिलता है ट्यूबलेस टायर और आगे में आपको 19 इंच का ब्लैक कलर का एलॉय व्हील मिल जाता है, जबकि हिमालयन जो बाइक आती है उसमें आपको मिलते हैं ट्यूब वाले टायर। इसके फ्रंट में 320mm की यहाँ पर आपको डिस्क मिल जाती है, जिसमें आपको वाइब्रे के कैलिपर मिल जाते हैं। ड्यूअल चैनल ABS के साथ आती है। अगर आप इससे ऑफ रोडिंग करते हैं तो इसकी जो ग्रिप है टायर की, वो काफ़ी यहाँ पर आपको ऑफ रोडिंग के हिसाब से ही डिज़ाइन की गई हैं। इस बाइक के सबसे बड़े अपडेट की बात करें तो कंपनी ने इसका जो कलर है, जो ग्राफिक्स हैं, वो कम्प्लीटली चेंज कर दिए हैं। अब इस बाइक में आपको मिलता है ड्यूअल टोन बॉडी कलर, जैसा कि फ्यूल टैंक के काउल के ऊपर में देखेंगे तो KTM का बैजिंग मिल जाती है। वाइट कलर और ब्लू कलर के यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार ग्राफिक्स, और ये जो काउल है वो आपको ऑरेंज कलर का मिलता है, जैसा कि इसमें ग्लॉसी फिनिश को शामिल किया है। 390 की बैजिंग मिलती है और ये है इसका KTM का थोड़ा सा इनविजिबल टाइप का ग्राफिक्स। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो 14.5 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है ब्लू कलर में मैट फिनिश के साथ, जो कि फुल मेटल बॉडी के साथ है। और नीचे ये जो काउल है ये आपको प्लास्टिक बॉडी का मिलता है। नीचे भी आपको ब्लू कलर के ग्राफिक्स और पैनल के ऊपर में एडवेंचर की यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है, थोड़ा सा मैट फिनिश यहाँ पर शामिल किया है। पीछे में 390 एडवेंचर के स्टिकर मिल जाते हैं सीट काउल के ऊपर। ऊपर में आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है राइडर और पिलियन के कंफर्ट के लिए। वैसे देखा जाए तो सीट की जो लंबाई है वो इस बाइक में आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। हिमालयन में आपको 800mm की सीट हेड मिलती है, जबकि इस बाइक में आपको मिलती है 855mm की सीट हेड, जो कि एक नॉर्मल बाइक से काफ़ी ज़्यादा है और 5.5 फीट वाले लोगों के लिए काफ़ी कम्फर्टेबल नहीं रह सकती है। बाकी 14.5 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, 1.5 लीटर पेट्रोल इसमें रिजर्व रहता है। नॉर्मल इसमें आपको हैंडल बार मिलती है, यहाँ पर आपको इंजन के नीचे में सेल्फ स्टार्ट और यहाँ पर आपको पासिंग का बटन। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसकी जो लीवर हैं ये आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये हैं इस बाइक के साइड मिरर और इसमें आपको मिलती है TFT डिस्प्ले, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला भी फीचर्स देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको एरर इंडिकेटर, हेडलाइट और ऊपर में रेड कलर की ऑयल इंडिकेटर की वार्निंग लाइट मिल जाती है। बाकी साइड में ट्रैक्शन कंट्रोल और गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, ABS और चेक इंजन और टर्न इंडिकेटर की वार्निंग लाइट मिल जाती है। ऊपर में साइड स्टैंड की वार्निंग, यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, बैटरी की वोल्टेज और यहाँ पर आपको डेट भी देख सकते हैं, ट्रिप 1 ट्रिप 2, यहाँ पर आपको RPM मीटर। इसमें आपको 2 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, स्ट्रीट मोड मिल जाता है, ऑफ रोडिंग मोड्स भी इसमें आपको मिल जाता है। यहाँ पर स्पीडोमीटर दिखाया गया है, यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज और इंजन टेम्परेचर, और इसके साथ इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, GPS, टर्न बाय टर्न नेविगेशन असिस्ट मिलता है। यहाँ पर आपको 4 बटन मिलती हैं, जो ड्यूक 390 में जो आपको मीटर कंसोल के सारे फीचर्स मिलते हैं, इसमें भी आपको सेम वही मीटर कंसोल के फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इस बाइक का ड्राइव वेट है 162 kg, जबकि हिमालयन बाइक का कर्व वेट है 199 kg। और यहाँ पर आपको मिलता है ब्लैक मैट फिनिश का एक फाइबर बॉडी पार्ट, जिसके ऊपर में KTM की ब्रांडिंग, कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का क्रैश गार्ड मिल जाता है। अगर ये बाइक गिर भी जाती है किसी कंडीशन में तो इसकी जो बॉडी है वो डैमेज नहीं होगी, काफ़ी कर्वी सा। यहाँ पर आपको एक रेडिएटर कूलिंग सिस्टम मिलता है लिक्विड कूल्ड के साथ, इंजन के ऊपर में कोई भी डैमेज वगैरह ना आए। तो यहाँ पर कंपनी ने एक इंजन गार्ड का इस्तेमाल किया है। बाकी 200mm की काफ़ी हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो 20mm ज़्यादा है हिमालयन से। यहाँ पर आपको ब्रेक पैड मिलता है
और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट का सेटअप। इसके साथ ही इस बाइक में आपको मिलता है ब्लैक कलर का स्टील ट्रेलिस फ्रेम और पीछे में आपको मिलता है WPFX शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन। KTM की ब्रांडिंग, इंजन ऑयल की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। इसमें दिया है 373 cc का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक 4-वाल्व DOHC FI इंजन। ये इंजन 43.5 PS की पावर देता है 9000 RPM पर और 37 Nm का टॉर्क पैदा करता है 7000 RPM पर। हिमालयन में जो पावर मिलती है वो है 24.31 PS की और टॉर्क मिलता है 32 Nm का, जो कि 5 Nm कम है इस बाइक के मुकाबले, और पावर भी आपको इस बाइक के मुकाबले लगभग 1.5 गुना कम मिलती है। बाकी इंजन के नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर इसका मिल जाता है आपको कैटलिटिक कन्वर्टर का पूरा सेटअप, जो कि राउंड शेप में है। बाकी ये है इसका मफलर गार्ड और वाइट कलर के साथ मैट फिनिश में इसका आपको मिलता है मफलर गार्ड के ऊपर में आपको पूरा का पूरा एग्जॉस्ट का सेटअप, जो कि फुल मेटल बॉडी के साथ है। पीछे में 230 mm की डिस्क मिलती है ABS के साथ और पीछे वाला टायर आपको मिलता है 130/80/17 का, जो कि आगे वाला 19 का है, पीछे में 17 का टायर मिलता है। और ये जो टायर का पैटर्न है वो आपको पूरा का पूरा ऑफ रोडिंग के हिसाब से इसको डिजाइन किया है, जिससे टायर की जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी आपको मिल सके ख़राब से ख़राब रोड पर। इस बाइक में आपको मिलता है 28 किलोमीटर प्रति लीटर का 1 लीटर पेट्रोल में माइलेज और 166 किलोमीटर प्रति घंटे की आपको लगभग टॉप स्पीड इस बाइक में मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्प्लिट एक ग्रैब रेल देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। इसकी जो टेल लाइट है अब भी वो पूरी तरह से बदल दी गई है, जैसा कि स्प्लिट टेल लाइट और नीचे में जो आपको ब्रेक लाइट मिलते हैं ये भी LED हैं, LED वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ अभी तक इसमें मिसिंग है, वो है इसका हैजार्ड का सिस्टम, जो कंपनी को जहाँ तक इसमें देना चाहिए। चलते हैं बाइक के दूसरी साइड में, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक की का लॉकर, जैसे सीट को ओपन कर सकते हैं। प्लेन के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं। बाकी ये है कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड। बाकी नीचे में देखेंगे तो ये है इसका स्विंग आर्म, जो कि फुल एल्यूमिनियम बॉडी का है, और ये है इसका टायर प्रेशर का स्टिकर। बाकी ये है इसका कूलेंट का बॉक्स, जिसमें ऊपर की साइड से यहाँ से कूलेंट को डाला जाता है इंजन को ठंडा करने के लिए। KTM की ब्रांडिंग, 6-speed गियर बॉक्स मिल जाता है, स्लीपर क्लच भी मिलता है जो कि मैकेनिकली ऑपरेट होता है, साथ में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वाला भी फीचर्स मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर फीचर्स भी मिलता है। इसमें आपको मेन स्टैंड नहीं दिया गया है। तो बात करें इसके प्राइस की, तो KTM एडवेंचर 390 की एक्सोरूम कीमत है 3,38,419 रुपये और इस बाइक की अप्रॉक्स ऑन रोड कीमत है 4 लाख और RC 200 की ऑन रोड कीमत है अप्रॉक्स 2,53,000। ड्यूक 390 की अप्रॉक्स ऑन रोड कीमत है 3,53,000। ये कीमत मैंने आपको बताई है KTM की शोरूम की, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं KTM की किसी भी बाइक की, तो बाइक के मॉडल का नाम, सिटी का नाम कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।